प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, तो आज मैं सुना रही हूँ संसार के भव सागर से पार लगाने वाली, सभी पापों को भस्म करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो इसे बिना छोड़े पूरी कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा, साथ ही आरती भी सुनाई जाएगी। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारा गगनसदृशं मेघवर्णं सुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानघं व्यं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है। यह बात मैं कहता हूँ, उसे तुम सुनो। स्वर्गलोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था,
इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक से दूर रहने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाय लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगर में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा लेने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को कहेगा करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के साथ अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रख कर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख कर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ
चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपने लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत के करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कथा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर बुद्धि प्राप्त करने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया।
लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सारापुर नगर में आया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापिस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कथा के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और उनसे उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दो गुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्व ने मंगल चार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके कुछ दूर जाने पर एक दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वर्णिक हंसता हुआ पूछा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्व के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा।
मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत ही शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक मत मनाइए, यह दंडी का साप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते। तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ, आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटी तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग हो जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में तीन तुंग भज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मार कर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने यह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा, वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की तरह हो गया। दीर्घकाल तक
सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अपने जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया।